सुक्खू सरकार में मची भगदड़ पर बात करते हुए पूर्व सीएम जयराम ने कार्यकर्ताओं को इलेक्शन मोड में रहने को कहा। शिमला में त्रिदेव सम्मेलन में बोले, अल्पमत में आ चुकी है हिमाचल की कांग्रेस गवर्नमेंट। विधायक टूटने के बाद कैबिनेट में मची भगदड़ का जिक्र करते हुए कहा, राज्यसभा चुनाव हारने के दिन ही बहुमत खो चुकी है प्रदेश सरकार। कांग्रेस के तीसरे खेमे अथवा पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य के साथ खुलकर कोई भी विधायक सामने न आने से सियासी जानकारों के मुताबिक आने वाले समय में बन सकती है मध्य अवधि चुनाव की स्थिति। सवा साल पहले विधानसभा चुनाव हार चुकी हिमाचल भाजपा के कमान राजीव बिंदल को सौंपे जाने के बाद पहले से मजबूत स्थिति में बताई जा रही है पार्टी। और हिमाचल प्रदेश में जो राजनीतिक हालात बने हैं वर्तमान में, उन हालात को ध्यान में रखते हुए बहुत जल्दी हिमाचल प्रदेश में भी ऐसे हालात बन रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को सत्ता में रहना कठिन हो जाएगा। जो हालात बने हैं, क्योंकि उनके आपस की लड़ाई, मंत्रिमंडल की बैठक से भाग रहे हैं, मंत्रिमंडल से मंत्री त्याग पत्र दे रहे हैं, विधायक विधानसभा के अंदर जो है कांग्रेस सरकार के खिलाफ हो रहे हैं। ऐसे हालात में सरकार का अब सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रहता है, और इसलिए आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। कार्यकर्ता उस सारी चीज में त्याग है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और जो कांग्रेस के काले नाक थे, उन्होंने अपनी ईमान को बेच दिया और 22 तारीख को बजट पास होना था, 27 तारीख को स्पीकर के पास जाकर उन्हें धमकाया गया। और देखिए, जिन लोगों ने, जिन काले छह नाकों ने गिरफ्तारी की, वो सड़क रास्ते से नहीं आए, सीआरपीएफ उन्हें मिली, हरियाणा पुलिस उन्हें मिली, हेलीकॉप्टर उन्हें मिले। विधायक आज यहाँ पर बैठे हैं, ये सब इससे परेशान होकर बैठे हैं, और हमने हाईकमान को कहा था कि तुरंत हिमाचल प्रदेश को बचाना है तो इस व्यक्ति को, मुख्यमंत्री को हटा के किसी भी व्यक्ति को बना दीजिए, परंतु हाईकमान के कान में कोई जूं तक नहीं रहेगी। इसलिए आज हिमाचल प्रदेश में जैसे पूरे देश में ताश की पत्तों की तरह कांग्रेस बिखर रही है, आज हिमाचल प्रदेश में भी ताश की पत्तों की तरह बिखर गई। हिमाचल प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री लगता है हिंदुस्तान में सबसे झूठ बोलने वाले मुख्यमंत्री हैं। इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी एंड फॉर द यूनिटी ऑफ द पार्टी, जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम, जो मैंने आज सुबह अपने इस्तीफे की पेशकश करी थी और उन्हें उसे नकारा था, तो मैं उसको जो है प्रेस नहीं करना। भारी मन के साथ ये मैं कहना चाहूँगा कि जिस व्यक्ति का नाम लेकर कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर बनी, एक साल के अंदर जो मुगल संतनत के आखिरी शहनशाह थे बहादुर शाह जफर, उनकी एक लाइन है कि कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, दो गज जमीन भी ना मिली कुए यार में। 6 बार जो हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, 6 बार जिसने ये सरकार बनाई, जिसकी वजह से ये सरकार बनी प्रदेश के अंदर, उसकी मूर्ति लगाने के लिए 2 गज जमीन इनको माल रोड के ऊपर नहीं मिली। दिस इज व्हाट रिस्पेक्ट दिस गवर्नमेंट हैज शोन टू माय लेट फादर। इस तरीके की जो चीज हुई है, हम इमोशनल लोग हैं, इमोशनल पद से हमें कोई लेना देना नहीं है। हिमाचल विधानसभा में नेता विपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश की सुखविंदर सुक्खू सरकार के विधायकों व मंत्रियों में मची भगदड़ को देखते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं से इलेक्शन मोड में रहने की अपील की। शिमला के गंज बाजार में आयोजित त्रिदेव सम्मेलन में उन्होंने कहा कि गत सप्ताह विधायक टूटने के बाद कल कैबिनेट मीटिंग से भी कुछ मंत्री तय समय से पहले निकलते दिखे, और ऐसा लगता है कि सरकार ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। नेता प्रतिपक्ष के अनुसार दरअसल प्रदेश की कांग्रेस सरकार 27 फरवरी को उसी समय अल्पमत में आ गई थी जब कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंह भी राज्यसभा इलेक्शन हारे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके बाद बजट पास करने के लिए जहां बीजेपी के 15 विधायकों को निलंबित किया गया, वहीं सीएम की कुर्सी बचाने के लिए अगले ही दिन स्पीकर ने 6 कांग्रेस एमएलए को निष्कासित किया। जयराम ठाकुर ने प्रदेश के भाजपा कार्यकर्ताओं से कहा कि
कांग्रेस के विधायकों व मंत्रियों में मची भगदड़ को देखते हुए आगामी परिस्थितियों के लिए तैयार रहें। त्रिदेव सम्मेलन के बाद मीडिया से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भूस्तर के कार्यकर्ता भाजपा की मजबूती का मुख्य आधार है और लोकसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश भर में त्रिदेव सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री की जल्द सरकार गिरने की भविष्यवाणियों को सीएम सुक्खू और उनके मंत्री मुकेरी लाल के सपने करार दे चुके हैं और 6 कांग्रेस विधायकों की सदस्यता रद्द किए जाने के बाद अब सरकार को मजबूत स्थिति में बता रहे हैं। सीएम द्वारा 2 दिन पहले निष्कासित तो बागी विधायकों को काला नाग कहे जाने के बाद कल कांग्रेस के बागी खेमे में शामिल राजेंद्र राणा सुखविंदर सुक्खू को भारत का सबसे झूठा सीएम करार दे चुके हैं और कुछ अन्य विधायकों के उनके संपर्क में होने का दावा भी कर चुके हैं। सियासी जानकारों के अनुसार 6 एमएलए के बगावत के अगले ही दिन सुबह त्याग पत्र देने व शाम को अपना फैसला बदलने वाले पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह बेशक बागी विधायकों के मिलने के बाद दिल्ली व राजस्थान के दौरे पर निकल गए, मगर वर्तमान में उनका खेमा तो प्रदेश कांग्रेस का तीसरा गुट सीएम बदलने अथवा सरकार को गिराने की हालत में नहीं है। 6 बार हिमाचल के सीएम रहे वीरभद्र सिंह के पुत्र विक्रमादित्य की माता बेशक वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष है, मगर खुद को उनका वफादार बताने वाले एमएलए भी कांग्रेस अथवा सुक्खू सरकार के साथ होने संबंधी बयान जारी कर रहे हैं, जिसके चलते उनकी प्रेशर पॉलिटिक्स खास रंग नहीं दिखा पाई। हालिलॉज अथवा विक्रमादित्य खेमे के कई विधायकों की सीएम सुक्खू द्वारा पहले ही ताजपोशी की जा चुकी है और दिवंगत सीएम वीरभद्र सिंह का स्टैचू लगाए जाने के लिए 2 गज जमीन दिए जाने के विक्रमादित्य के बयान के समर्थन में भी कोई मौजूदा एमएलए खुलकर सामने नहीं आया। महज 1.25 साल पहले विधानसभा इलेक्शन हार चुकी भाजपा के वर्तमान में मजबूत स्थिति में होने तथा कांग्रेस में मची भगदड़ के पीछे कुछ सियासी जानकार डॉक्टर राजीव बिंदल को हिमाचल भाजपा की कमान सौंपा जाना भी एक मुख्य वजह मानते हैं। जानकारों के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष द्वारा निष्कासित विधायकों की सदस्यता कोर्ट से बहाल होने की सूरत में भी राज्यसभा इलेक्शन की तरह भाजपा की सुई 34 पर अटक जाएगी और ऐसे में भले ही बीजेपी जोर तोड़ कर सुक्खू सरकार को गिराने में कामयाब हो जाए, मगर कांग्रेस के निर्धारित विधायक टूट जाए इस बात की संभावना फिलहाल नजर नहीं आती। ऐसे में यदि सुक्खू सरकार विश्वास मत हासिल ना भी कर पाई तो बीजेपी भी सरकार नहीं बना पाएगी और जानकारों के अनुसार इसीलिए आज जयराम ठाकुर का इशारा मध्य अवधि चुनाव की तरफ था। कि हमारी पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है और उस दृष्टि से बूथ का अध्यक्ष, बूथ पालक और बीएल इनको हम त्रिदेव कहते हैं और त्रिदेव सम्मेलन में इनके जिम्मे पार्टी का पोलिंग बूथ में जीत को सुनिश्चित करने का था। और आज शिमला विधानसभा क्षेत्र सीमा मंडल की जो बैठक हुई उसमें हमने ये कार्यक्रम यही आग्रह किया है और हिमाचल प्रदेश में जो राजनीतिक हालात बने हैं वर्तमान में उन हालात को ध्यान में रखते हुए पूरे देश भर में जहां मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी मजबूत होते हुए आगे बढ़ रही है, 195 पार्टी के कैंडिडेट का डिक्लेरेशन कल हो गया है और बहुत जल्दी हिमाचल प्रदेश में भी ऐसे हालात बन रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को सत्ता में रहना कठिन हो जाएगा। जो हालात बने हैं क्योंकि उनके आपस की लड़ाई, मंत्रिमंडल की बैठक से भाग रहे हैं, मंत्रिमंडल से मंत्री त्याग पत्र दे रहे हैं, विधायक विधानसभा के अंदर जो है कांग्रेस सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। ऐसे हालात में सरकार का अब सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रहता है और इसलिए आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है, कार्यकर्ता उस सारी चीज़ को त्याग दें।